तो भैया बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मेन विलन पृथ्वीराज ने बताया कि मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ को नहीं करने वाला था, मैंने रिजेक्ट कर दिया था, बट कंफ्यूज था कि करूँ कि ना करूँ। वही मैं जब सलार की शूटिंग कर रहा था तो मैंने इस फिल्म के रोल के बारे में प्रशांत नील को बताया और प्रशांत नील ने मेरे रोल की स्क्रिप्ट सुनने के बाद बोला कि अगर तुम नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। फिर पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म के लिए हाँ बोला। वैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर अक्षय कुमार ने पूरा दम बांध दिया है, प्रमोशन पे प्रमोशन करते जा रहे हैं, बट पब्लिक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला क्रेजीनेस कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये तो वही बात हुई कि जब किस्मत खराब हो तो सब कुछ खराब ही होता है। जब अक्षय कमर्शियल फिल्में बना रहे थे तो वही फैंस चिल्ला रहे थे कि खिलाड़ी भाई अरे कहाँ हो, कोई एक्शन फिल्म बनाओ, तो अब वही फैंस शांत बैठे हैं। दरअसल अक्षय कुमार को SRK वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा, उन्हें भी कुछ साल के लिए ब्रेक मांगता है। फिर पब्लिक जब पगला जाएगी तो आओ सीधा हेरा फेरी 3 लेकर। तो आपको क्या लगता है अक्षय कुमार का कैसे कमबैक हो सकता है?